Hello everyone, I'm Samra Usmani and I would like to welcome you all in Balaji online classes. Today I'm here to teach you third chapter of maths, that is subtraction. So in your previous class you already studied subtraction. आपको बहुत अच्छे से पता है हम subtraction किसे कहते हैं, जब हम दो number, एक number में से किसी दूसरे number को minus करते हैं, हम उसे subtract करना कहते हैं, ठीक है? But in your previous class you studied subtraction using three digits number. लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में आपने जो सब्ट्रैक्शन पढ़ा था वो थ्री डिजिट्स नंबर का पढ़ा था. इन दिस क्लास और बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू यूज द सेम मेथड. हम सेम मेथड यूज करेंगे लेकिन उसमें एक ही डिफरेंस होगा. प्रीवियस क्लास में हम थ्री डिजिट्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करते थे और अभी हम इस चैप्टर में फोर डिजिट्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे. ओके, सो बेसिकली देयर आर फाइव मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, the first topic which I am going to teach you is subtraction without borrowing. Subtraction without borrowing. You all know subtraction without borrowing, यानी जब हमें किसी नंबर को अगर माइनस करना है तो हम इजिली नंबर्स को माइनस कर सकते हैं और हमें किसी भी अदर नंबर से या किसी भी दूसरे नंबर से बोरो करने की नीड नहीं होती है, हमें जरूरत बोरो करने की नहीं पड़ती है. कैसे? सो आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज वन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 34. फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो लेट स्टार्ट. हम फोर डिजिट नंबर कर रहे हैं तो सबसे पहले वंस, then tens, then hundred and then thousand. Okay, so now I'm going to solve this. 8709 से माइनस हम करेंगे 5203 को. अब जैसा कि आप देख सकते हो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हमें बोरो करने की नीड हो. सो लेट्स स्टार्ट. 9 में से 3 माइनस कर लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमने 9 लाइंस ड्रॉ की, हम 3 माइनस कर देते हैं. 1 2 3 कितनी लाइंस बची हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 6. हम 0 में से 0 माइनस करते हैं, हमको पता है आंसर 0 होता है. नेक्स्ट नंबर 100, हम इसमें माइनस करेंगे 7 में से 2. 7 इज ग्रेटर देन 2, तो नाउ डू इट. 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 2 माइनस कर लेते हैं. 1 2, कितने नंबर्स बचे हमारे पास? 1 2 3 4 5. ओके, नाउ द लास्ट डिजिट 1001. 8 माइनस 5, 8 में से 5 माइनस करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8. 5 माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6. सॉरी, 5 माइनस करना था, हम 6 नहीं माइनस करेंगे, सिर्फ 5. हमारे पास कितने नंबर बचे? 1 2 एंड 3. सो सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, हमें बिना, आप जैसे देख सकते हो हमने कोई भी नंबर बोरो नहीं किया है और विदाउट बोरोइंग हमने सम सॉल्व कर दिया है. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हम उन्हें बोलते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग. ओके, सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग का मतलब कि दो ऐसे नंबर्स जिसमें हम बिना किसी नंबर को बोरो किए सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी हमको अगर सम को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें बोरो यानी दूसरे नंबर से बोरो करने की नीड होगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आई एम गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 35. मैं जा रही हूँ उसको पहले सॉल्व करूंगी. लेट्स स्टार्ट. वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ओके, अब हम सम सॉल्व करते हैं. 5200
70 में माइनस हमें करना है 3691. ओके, नाउ सी, 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता है. अब हमको क्या करना है, हमको अगर 0 में से 1 माइनस करना है तो हमको 10 यानी 7 में से 1 बोरो करना पड़ेगा, और किसको देना पड़ेगा, 0 को. तो हमने यहाँ पे 7 को कट किया और 1 बोरो किया, यहाँ पे 10 हो गया क्योंकि हमने 7 में से 1 बोरो दे दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6. ओके, अब हम 10 में से 1 माइनस कर देते हैं. 10 में सबको पता है हम जब 1 माइनस करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 माइनस कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे हमारे पास आया 9. ओके, अब नेक्स्ट नंबर, 9 इज ग्रेटर देन 6, सो हम 6 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 में हमें 2 दिख रहा है, हम 2 में से 1 जो है वो बोरो करेंगे और 6 को देंगे. ने यहाँ पे 2 कट किया, यहाँ पे 1 6 को बोरो दिया, यहाँ पे क्या हो गया 16. यहाँ पे हमने 1 बोरो दे दिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1. अब हम 16 में से 9 माइनस कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. हम 9 माइनस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितना बचा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमारे पास आंसर आया 7. ओके, नेक्स्ट इज, 1 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 1. अब हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1000 की उसमें दिया है ना 5, हम 5 में से 1 बोरो करेंगे और किसको देंगे, 1 को. ने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे 1 दिया, ये क्या हो गया 11, यहाँ पे हमने बोरो कर लिया तो यहाँ पे हो गया 4. तो अब हम 11 में से 6 माइनस कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमने 6 माइनस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास कितने नंबर्स बचे, अब 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास बचे 5. ओके, अब लास्ट हमारे पास 4 है और माइनस हमें करना है 3, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, हम इजिली कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, अब हमको 3 माइनस करना है, 1, 2, 3, हमारे पास आंसर क्या आया, 1. सो बेसिकली सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग ऐसे होता है, जब हमारे पास नंबर्स जो ऊपर हैं वो स्मॉलर होते हैं और नीचे ग्रेटर नंबर्स होते हैं, तो हम दूसरे नंबर से बोरो करते हैं नंबर. विदाउट बोरोइंग हम सम को सॉल्व नहीं कर सकते. चलिए जल्दी से एक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 35. ओके, 1, 10, 100 and 1000 सॉल्व कर लेते हैं. 8,567, 3,129, इसको माइनस कर देते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं 7 इज स्मॉलर देन 9, तो व्हाट वुड वी डू, यहाँ पे हमको 6 दिखा है ना, हम 6 में से 1 बोरो कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5. यहाँ पे अब क्या हो गया, क्योंकि हमने 1 बोरो किया तो ये हो गया 17. 17 में से 9 माइनस कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 माइनस कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखते हैं कितना बचा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस बचा 7. ओके, नाउ 5, 5 इज ग्रेटर देन 2, हम माइनस कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से 2 माइनस कर लीजिए, 1, 2, आंसर क्या होगा, 1, 2 and 3. 5 में से 1 माइनस करना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 माइनस कर दिया, 1, 2, 3, 4. लास्ट वन इज 8 minus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus 3, 1, 2, 3, 4, 5. सी, इट्स ईजी, अगर आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर स्मॉलर नंबर दिया है और नीचे ग्रेटर नंबर दिया है तो हमारे लिए बोरो करना बहुत जरूरी है, हम विदाउट बोरोइंग सम सॉल्व नहीं कर सकते. ओके,
So now second topic is over. The third topic is subtraction across zeros. Yani, should turn the page. अगर हमारे पास नंबर्स दिए हों जिसमें जीरो हो डिजिट्स में, तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? सबको पता है कि अगर एडिशन में हमारे पास ऐसा होता है कि किसी नंबर के साथ जीरो होता है तो हमें वही नंबर वापस मिलता है, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है. हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में अगर जीरो है हमारे पास तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट. ओके, आई एम गोइंग टू डू एग्जाम्पल विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 36. ओके, सो लेट स्टार्ट. जीरो, टेन्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड. स्टार्ट करते हैं. हमें माइनस करना है 6000 में से 1234. अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 के बाद सब जीरो है और नीचे जितनी भी डिजिट्स दी हुई है सब जीरो से ग्रेटर है. अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, थाउजेंड में से बोरो करेंगे. थाउजेंड में से वन किसको बोरो देंगे, हंड्रेड को. सबसे पहले हम यहाँ पे 6 को कट कर देंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे और हम वन किसको बोरो दे देंगे, हंड्रेड में. यानी यहाँ पे हो गया 10. ठीक, अब 10 इज ग्रेटर देन 2, हमें ये बात पता है. अब हम क्या करेंगे, 10 है यहाँ पे तो हम 10 से यहाँ पे 100 को 1 बोरो दे सकते हैं. तो हम यहाँ पे अगेन 10 को कट कर देंगे, यहाँ करेंगे 9 और हम अब 0 को करेंगे यहाँ पे 1 बोरो दे देंगे, ये 10 हो गया. 10 इज ग्रेटर देन 3, हमें ये बात पता है. अब हम माइनस कर सकते हैं, बट अब क्योंकि यहाँ पे 10 है और 10 से हम 0 को 1 बोरो दे सकते हैं तो हम अगेन यहाँ पे 1 बोरो देंगे, इसे कट करेंगे और यहाँ पे करेंगे 9. सो अब आप देख सकते हैं ऊपर जितनी भी डिजिट्स हैं वो नीचे की डिजिट से ग्रेटर है. अब हम सॉल्व कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट. सॉल्व करते हैं. सबसे पहले 10 में से 4 माइनस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 माइनस कर दीजिए, 1 2 3 4. कितना आंसर हुआ, 1 2 3 4 5 6. हमारे पास आंसर आया 6. नेक्स्ट इज 9 माइनस 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 माइनस कर देते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6. आंसर बचा हमारे पास 6. देन 9 माइनस 2 अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 माइनस कर दें, 1 2, तो आंसर आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7. अब हमारे पास लास्ट बचा 5 माइनस 1, 1 2 3 4 5. 5 में से 1 माइनस किया तो 1 2 3 4. किसी भी नंबर में अगर आपको 0 मिलता है तो आप नंबर्स को इस अकॉर्डिंग जो है वो पहले आप बोरो करेंगे, देन आप सम सॉल्व करेंगे. पहले सम नहीं सॉल्व होगा, पहले हम देखेंगे, क्योंकि 0 में अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें बोरो करना पड़ेगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 37. जल्दी से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. सॉल्व करते हैं. 9002 में से माइनस करना है हमको 3845. ओके, नाउ जैसा कि आप देख रहे हो 2 इज स्मॉलर देन 5, 0 इज स्मॉलर देन 4, 0 इज स्मॉलर देन 8. ओके, अब ये तीनों नंबर जो हैं ये ऊपर की जितनी डिजिट्स हैं हमारी सब स्मॉलर हैं और ये सारे नंबर्स ग्रेटर हैं. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बोरो देंगे 1000 से 100 को, यानी 9 को यहाँ पे हम कट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 और हम किसको बोरो दे देंगे, 0 को. यानी यहाँ पे हो जाएगा 10. ठीक, अब नाउ 10 इज ग्रेटर देन 8, लेकिन हमको यहाँ पे 0 है तो अब हम 10 में से किसको बोरो देंगे, 10s को. 100 में से 10s को बोरो देंगे, यानी यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 1. ठीक, अब ये 10 हो गया, 10 में से 4 माइनस हो सकता है,
यहाँ पे हमें इसको भी माइनस देना है, तो हम सबसे पहले इसको कट करेंगे, यहाँ करेंगे 9 और 2 को बोरो दे देंगे, यहाँ हो गया 12, 12 इज ग्रेटर देन 5। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 में से 5 माइनस करिए, 1, 2, 3, 4, 5, अब हमने क्या आंसर आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 9 माइनस 4 कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से 4 माइनस कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5। हमारे पास 9 है, 9 में से 8 माइनस करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 माइनस कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर क्या बचा हमारे पास, 1। अब लास्ट है 8 माइनस 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 माइनस कर दीजिए, 1, 2, 3, आंसर क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास आंसर आया 5। सो इस तरह से हम ये सब सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज जो हम अब करने जा रहे हैं इज सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ आ गया तो आपको सम सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन, ओके नाउ सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्विंग एडिशन क्या होता है, वो सब्ट्रैक्शन जिसमें एडिशन इन्वॉल्व होता है, यानी हम माइनस करते हैं बट उसमें प्लस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। अब आप सोच रहे होंगे माइनस में प्लस कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा, सो हम आपको बताते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल फॉर यू विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 40 इन योर बुक। ओके, सबसे पहले हमसे कहा गया है लेट अस ऐड 3895। सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। ओके, नाउ हमसे कहा गया है 5632 में हमें 3895 प्लस करना है, 5632 में 3895 जो है वो प्लस करना है। प्लस कर लेते हैं, 2 में 5 प्लस करिए, 1, 2 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 में 3 प्लस करिए, 1, 2, 3 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हमारे पास आ गया यहाँ पे 12। को मालूम है कि अगर यहाँ पे नंबर 12 है तो हम एक नंबर यहाँ पे 6 को कैरी देंगे, तो 6 को हमने यहाँ पे वन नंबर कैरी किया, तो 6 प्लस 1 7, और 7 प्लस 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, प्लस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, तो 5 यहाँ पे और 1 हमने 5 के ऊपर कैरी किया, तो 5 plus 1, 6, 6 plus 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, so हमारा आंसर क्या। Now this is it. I hope you understand this chapter. Okay, and now your notes will be uploaded on School Mitra. Kindly download the PDFs from there and please do it properly. And if you have any confusion, any query, then we will discuss it in the class. Okay, till then, take care of yourself, stay happy, stay healthy.